सलीम खान और जावेद अख्तर के जीवन पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंग्री यंग मैन को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। इस सीरीज में सलीम और हेलेन की पहली मुलाकात की कहानी भी दिखाई गई है। सलीम खान ने अभिनय करके खलनायक की भूमिका भी निभाई थी। जॉन अब्राहम ने खुद खोज के साथ एक्शन फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ काम किया था। सफलता के बाद शाहरुख ने जॉन को खास तोहफा के रूप में एक मोटरसाइकिल दी। अनन्या पांडे की वेब सीरीज कॉल मी बे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसमें अनन्या के अलावा वीरदास, वरुण सूद, मुस्कान जाफरी, विहान समद जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। यह 6 सितंबर को अमेजन पर स्ट्रीम होगी। अगस्त 24 को मुंजा को स्टार गोल्ड टीवी चैनल पर रात 8 बजे टेलीकास्ट की जाएगी। मुंजा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया था और इसकी ओटीटी रिलीज के बाद अब टीवी पर प्रीमियर होगी। सलीम जावेद के जीवन पर आधारित मोस्ट अवेटेड डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंग्री यंग मैन अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। इस जोड़ी ने हमें कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। एंग्री यंग मैन को रिलीज के बाद से एक्स पर कई सारे रिएक्शंस मिल रहे हैं। बायोपिक में लोगों ने शानदार पंक्तियों का उपयोग किया है और बहुत सी सीख जिसे आप ले सकते हैं। सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी ने 24 फिल्मों में एक साथ काम किया है। एंग्री यंग मैन हिंदी सिनेमा के दो सबसे बड़े सितारों और उनके हीरे जैसे काम की कहानी है। तनाव 2 फीट के साथ कबीर और स्पेशल टास्क ग्रुप वापसी करेंगे, जबकि एक खतरनाक शख्स अलदमिश्क आ रहा है। ट्रेलर में अलदमिश्क के बारे में कहानी सामने आती है और कबीर को उसे ढूंढकर मारना होगा। देखें तनाव 2 फीट का एक्शन से भरपूर दूसरा सीजन 6 सितंबर को सोनी लिव पर। रिलीज के सिर्फ 5 दिनों में स्त्री 2 फीट ने अपने बजट से ज्यादा कमाई कर ली है। फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर इस सफलता पर खुशी जाहिर की है।